उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। रैलियों और चुनावी सभाओं का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सभी दल और नेता जनता को अपने पक्ष में करने के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हैं। जहां एक ओर सपा प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाल रही है, वहीं अब समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी महान दल ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को जोड़ते हुए जन आक्रोश यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में महान दल ने सपा के साथ गठबंधन किया है। बीते दिनों लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने महान दल के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की और जनता के मुद्दे उठाने को लेकर बल देने को कहा था। ऐसे में अब महान दल के अध्यक्ष केशव देव ने किसानों के मुद्दे समेत कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ यात्रा निकालने की योजना बना ली है। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने मीडिया हलचल से इस बारे में बात की। केशव देव ने अपनी योजना को लेकर मीडिया हलचल को बताया कि अगस्त महीने के अंत तक महान दल के प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी में जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। केशव देव ने बताया कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ जनता में बेहद आक्रोश है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस यात्रा का नाम जन आक्रोश यात्रा रखा है। केशव देव ने बताया कि ये जन आक्रोश रैली पीलीभीत से शुरू होगी और विभिन्न जनपदों से होते हुए इटावा तक जाएगी। मीडिया हलचल से बातचीत के दौरान केशव देव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। केशव देव ने पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर कहा कि जनता बीजेपी शासन से अब त्रस्त है। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने जनता से झूठे वादे किए हैं। केशव देव ने कहा कि आज यूपी समेत देश का किसान परेशान है, युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, ऐसे में जनता आक्रोशित है और अब जनता बदलाव चाहती है। कोरोना महामारी के दौरान फैली अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए केशव देव ने कहा कि कोरोना काल में सरकार के सारे दावे और व्यवस्थाएं फेल साबित हुए और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन अब बीजेपी शासन को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।